नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल इस सुगंध फिल्म्स में। तो गाइज, आज हम अनबॉक्सिंग के सीरीज़ में आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम लोग ज्वारेज कंपनी का कीबोर्ड पियानो जो आता है JRK 660, जिसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका साउंड टेस्टिंग देखेंगे कि कैसा है और इसकी साउंड की क्वालिटी क्या है और इसके जो की वगैरह हैं सब कैसे काम करते हैं, टोटल इस वीडियो में आप लोग जानेंगे इस कीबोर्ड के बारे में। इस कीबोर्ड को मैंने 3860 रुपए में परचेज़ किया है अमेजोन से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। और गाइज, इसके की के बारे में बात करूँ तो इसके टोटल कीज़ हैं हमारे 61 और उसमें रिदम लूप्स वगैरह भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, टोन्स वगैरह। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में जानते हैं। तो गाइस, ये रहा अमेज़ॉन की तरफ से जो पैकेट हमें मिला था, तो ये पैकेट है। तो चलिए हम इसे फटाफट से ओपन कर लेते हैं। मैं सीजर की सहायता से इसको कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लगभग ये ओपन हो चुकी है एंड इसका आप देख सकते हैं जो इन्होंने पैकिंग किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी पैकिंग मुझे लगी है गाइस। ये देखिए, पहला जो है लिखा हुआ है 61 कीज़ इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसे खोलने के लिए मैं और थोड़ा सा अंदर जाता हूँ इसके, तो नीचे थर्मोकॉल से इन्होंने सेफ्टी के साथ दिया है ताकि इसे कुछ इसमें फ्रैक्चर ना हो। इस कीबोर्ड में काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। मैं थर्मोकॉल को निकाल लेता हूँ फटाफट से एंड कीबोर्ड को भी अब बाहर मैं निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने निकाल लिया है और ये नोट्स के लिए है, स्केल वगैरह जो भी आप लिख कर प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके लिए है। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कीबोर्ड, काफ़ी इसे प्लास्टिक से भी इन्होंने कवर कर रखा है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए, इसके साथ मिलते हैं आपको एक माइक और इसके साथ में आपको मिल जाती है एक चार्जर। आप इसको बैटरी से भी चला सकते हैं, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक से भी इसे चला सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फटाफट इसे प्लास्टिक से बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी हम निकालेंगे इसे, मैं निकाल रहा हूँ अभी। तो हमने आराम से इसे निकाल लिया है बाहर। अभी आप देख सकते हो कि ये जो कीबोर्ड है, इसके साथ जो मिला था मुझे चार्जर, उसको भी मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके बाद जो माइक है उसके बारे में गाइस मैं बात करूँ तो जो माइक है ये उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इसके, लेकिन फिर भी ये अच्छी है। आप इसे यूज़ करके देखिएगा कि कैसा आउटपुट देता है ये। इसकी वायर की बात करूँ तो वायर इसकी बहुत बड़ी है, काफ़ी अच्छी वायर है, तो उसको भी हम अभी रख देते हैं। एंड नाउ अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। टॉप में अगर आप देखेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको मिलता है टोन, रिदम और लर्न करने के लिए कुछ म्यूज़िक। तो देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड में है कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद टोन है, हमारे रिदम है और ये रहा डिस्प्ले जिस पे आपको दिखाता है कि अभी आप क्या कर रहे हो, उस पर शो होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको डिस्प्ले मिल रही है। और इधर तो आपको टेम्पो ट्रांसपोज के लिए भी दी हुई है, वॉल्यूम डाउन करने के लिए, अप करने के लिए। और इसमें तो आप कॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, ऑटो कॉर्ड्स का भी ऑप्शन है, ठीक है गाइस। उसके बाद इस कीबोर्ड की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दी हुई है। चलिए पीछे के साइड आते हैं हम। तो पीछे के साइड में USB केबल मिलते हैं आपको, आप इसमें अपना हेडफोन भी लगा सकते हो, स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। MIDI की ऑप्शन नहीं है क्योंकि इतने लो बजट में गाइस MIDI नहीं आती है। पीछे के साइड देखोगे तो आपको एक स्टैंड का ऑप्शन मिलती है और एक बैटरी की ऑप्शन मिलती है, आप बैटरी भी लगा सकते हो इसमें। उसके बाद इसमें जो पेपर मिलता है आप उसको रीड करके अच्छे से इस कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा जान सकते हो, ज़्यादा समझ सकते हो इसके बारे में। और ये है आप नोट्स है, अगर नोट्स का नॉलेज नहीं है तो इसे पेस्ट कर सकते हो अपने कीबोर्ड के बटन पे और सीख सकते हो म्यूजिक आई। तो ये तो रहा हमारा फाइनली कीबोर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन। अब इसकी साउंड टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये ज्वराज JRK 660 कैसी वर्क करती है। तो सबसे पहले हम अपने इसको कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक से और उसके बाद ये जो नीचे वाली जो ऑप्शन दी हुई थी DC की, उसमें हम इसे पिन को लगाएंगे। लगाने के बाद गाइस ऑटोमेटिक ही इसकी लाइट ऑन हो जाती है डिस्प्ले की। तो अभी हम आपको क्या करते हैं कि साउंड टेस्ट दिखाते हैं, ठीक है गाइस। यार इसकी वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मेन वॉल्यूम से हम वॉल्यूम कम करेंगे। तो अभी हमने 7 पर रखा है, 7 पर भी ज़्यादा है, 6.5 पर रखा है। गाइस इसकी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये अच्छा है कि हम 5 पे भी बहुत ही लाउड करके बजा सकते हो इसे।
तो गाइज़ ओवरऑल हमने सारे अनबॉक्सिंग कर दिए, जो इम्पोर्टेंट थी चीज़ें मैंने बता दिया। अगर आपको ये कीबोर्ड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।